कोविड 19 वैक्सीन को लेकर रूस के संपर्क में भारत, जाने स्वास्थ्य मंत्रालय ने और क्या दी जानकारी। देश में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। रोजाना तकरीबन 65,000 नए कोविड 19 मामले दर्ज किए जा रहे हैं। कोरोना वायरस के कुल मामलों के लिहाज से भारत अमेरिका और ब्राजील के बाद दुनिया में तीसरे स्थान पर है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से मंगलवार को दी गई जानकारी के मुताबिक देश में वायरस से ठीक हुए मरीजों की संख्या एक्टिव केस से 3.4 गुनी ज्यादा है। मंत्रालय के प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि भारत में एक्टिव केस कुल मामलों में 22% है। भूषण ने कहा कि भारत जैसी बड़ी आबादी वाले देश में प्रति मिलियन टेस्ट बढ़ाना चुनौती है। उन्होंने बताया कि ऑक्सीजन पर 2.70% मरीज, आईसीयू में 1.92% और वेंटिलेटर पर 0.29% मरीज हैं। कोरोना से देश में अब तक 58,390 मौतें हुई हैं, जिसमें 69% पुरुष और 31% महिलाएं हैं। इनमें से 11% 26 से 44 साल के हैं, 36% 45 से 60 साल के हैं और 51% 60 साल के ऊपर के हैं। आज की तारीख में 1524 टेस्टिंग लैब है। खबरों के मुताबिक स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा, जहां तक रूस द्वारा विकसित स्पुतनिक वैक्सीन का संबंध है तो भारत और रूस संपर्क में हैं। प्रारंभिक स्तर पर जानकारियां साझा की गई है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के महानिदेशक बलराम भार्गव ने कहा कि भारत में 3 वैक्सीन क्लिनिकल स्टेज पर है और 3 प्री क्लिनिकल स्टेज पर। सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन फेज 3 में है। इसका 1700 लोगों का सैंपल साइज है। भारत बायोटेक ने फेज 1 में 375 लोगों का सैंपल लिया था। अब फेज 2 शुरू होना है। जायड्स कैडिला के वैक्सीन का फेज 1 का सैंपल 50 का था। अब फेज 2 शुरू होने वाला है। 2 डोज की ये सब वैक्सीन है। 14 से 28 दिन पर दूसरा डोज दिया जाता है और फिर 2-4 हफ्तों के बाद एंटीबॉडीज देखी जाती है। उन्होंने कहा कि कुछ गैर जिम्मेदार लोगों की वजह से महामारी बढ़ रही है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।